दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। कोरोना से बेफिक्र लोगों ने नगरोटा सूर्या में जमकर की खरीदारी। सोलन में खरीदारी को उमड़ी भीड़, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाए घर। सलापड़ में दिवाली की रात कबाड़ स्टोर में आग लगने से लाखों का नुकसान। चंबा में चाइल्ड लाइन सप्ताह के दौरान लोगों को बताए बाल अधिकार। अब समाचार विस्तार से। दीपावली का पर्व प्रदेश भर में भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। नगरोटा सूर्या में दिवाली के पर्व पर बाजारों में काफी भीड़ रही और लाखों रुपए की आतिशबाजी के अलावा गिफ्ट आइटम्स, मिट्टी के रंग बिरंगे दियो संग बर्तनों की खूब बिक्री हुई। दिन भर दुकानों में भीड़ देखी गई। इस दौरान बाजारों में कोरोना का असर कहीं भी देखने को नहीं मिला। इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था का भी बहुत बुरा हाल रहा। बसों की कम आवाजाही के कारण अधिकतर लोग अपने निजी वाहनों पर ही खरीदारी के लिए आ जा रहे थे, जिस कारण शहर में बार बार जाम रहा था। जिला सोलन में दिवाली का त्योहार धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बाजारों में खूब रौनक देखी गई। जिला भर के बाजारों में मिठाई, पटाखे व इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर काफी भीड़ देखी गई। अरसे से मंदी की मार झेल रहे दुकानदारों के चेहरे पर रौनक देखी गई। वहीं शाम को लोगों द्वारा घरों को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया और रात गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की विधिवत पूजा अर्चना की गई। राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर सलापड़ में देर रात 10 बजे के करीब एक कबाड़ स्टोर में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही सलापड़ पुलिस व दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में 4 घंटे का वक्त लगा। इस तरह दमकल कर्मियों ने आसपास के मकानों को आग की चपेट से बचा लिया। बताया जा रहा है कि स्टोर में भारी मात्रा में कबाड़ और अन्य मशीनें रखी हुई थी, जो कि आग के कारण जलकर स्वाह हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चाइल्ड लाइन चंबा द्वारा ग्राम पंचायत बैली के चौकी बेई गांव में चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम में लोगों के साथ सीधा संवाद किया गया। कार्यक्रम के दौरान टीम मेंबर काजूराम चमन सिंह द्वारा विशेष रूप से बाल अधिकारों एवं अन्य बाल संरक्षण मुद्दों सहित कोविड-19 की गंभीरता के साथ साथ क्षेत्र में रहने वाले लोगों व उनके बच्चों को चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चों के मध्य मेहंदी प्रतियोगिता भी करवाई गई। मेहंदी प्रतियोगिता में मीना ने पहला, अनीता ने दूसरा और ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वाले बच्चों एवं अन्य प्रतिभागियों को चॉकलेट भी बांटी गयी।